hi so let's solve this question. The question is, देखो question में क्या बोला जा रहा है, find the remainder of when 5 to the power 5 to the power 5 to the power 5 dot 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 up to 24 times is divided by 24. ठीक है जी, अब देखो इसको कैसे solve करते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या दे रखा है कि 5 to the power 5 to the power 5. ठीक है? फाइव टू दि पावर फाइव टू दि पावर फाइव टू दी पावर डॉट 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 कितना टाइम्स ट्वेंटी टाइम्स है जी ठीक है है ये दे रखा है. तो यहां से लेके अगर यहां तक की हम बात करें तो कितना बार फाइव आया होगा ट्वेंटी थ्री टाइम्स ओके गुड तो जो भी देखो क्या है ना कि ये जो भी नंबर होगा एक बात तो श्योर हो गया कि ये जो बॉक्स में नंबर देख रहे हैं ना आप ये एक ऑड नंबर होगा ऑल राइट और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं टू एम प्लस वन के टाइप का सो दिस नंबर कैन बी रिटर्न टू एम प्लस वन और राइट अब इसको बेटा क्या करना है अपने को ट्वेंटी फोर से डिवाइड करना है ठीक है तो इसको क्या लिखना है ट्वेंटी फोर से डिवाइड कर देना है बहुत ही इजी मेथड है देखो क्या कर लेंगे इसको फाइव इन फाइव के पावर टू के पावर एम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा अब ये देखो हो गया फाइव और ये क्या हो जाएगा पच्चीस के पावर में एम हो गया जी और नीचे में आ गया ट्वेंटी फोर अब देखो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में अब ये जो ब्रैकेट में लिखा है बस उसमें चौबीस से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या आ जाएगा वन और वन में फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा फाइव फाइव चौबीस से छोटा है क्या हाँ तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा फाइव And that's the final answer. Okay, so I hope you understand it. All the best. Thank you.